ये जो वर्कशॉप है ना, ये जो 2 घंटे की वर्कशॉप है, 1 आवर 52 मिनट्स की, तो इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके अंदर क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। हाँ, वर्कशॉप का जो टाइटल है स्माइल सर, वो तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या लिखा हुआ है, बेसिक्स। इंट्रोडक्शन टू आर। अब इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे लिखी हुई है, जो मैंने यूट्यूब की वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, इस पूरी वीडियो में हुआ हुआ क्या है, ठीक है। आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, वीडियो में पहले क्या डिस्कस किया गया, डिफरेंट बिटवीन GUI CUI, कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेरेंस क्या होता है, दोनों के सॉफ्टवेयर के क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स क्या है, बहुत डिटेल में समझाया गया है। ये पहले पैराग्राफ में मैंने यही मेंशन किया, ठीक है, कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस के कंपोनेंट्स क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेरेंस के कंपोनेंट्स क्या है, कब आपको GUI सीखना है, कब आपने CUI सीखना है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत है भी या नहीं है, ये तमाम बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। उसके बाद फिर मैंने ये डिस्कस किया है कि आर के जो मेन कंपोनेंट्स है, पैकेजेस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, 1 घंटा तकरीबन इसी पर डिस्कस किया है, क्योंकि ये बेस है, जिसको ये समझ में नहीं आएगा उसको आगे प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगी। यही बात मैंने फिर सेकंड पैराग्राफ में मेंशन कर दिया। इसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में ये समझाया है कि आर के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, लाइब्रेरीज क्या है, पैकेजेस क्या है, फंक्शंस क्या, ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये सब समझाया गया। उसके बाद ये समझाया गया है कि जो बहस की जाती है कि आर बेहतर है या, इन दोनों के डिफरेंसेस बताए गए हैं कि आपका क्या बैकग्राउंड है, तो आप लोग पाइथन सीखेंगे, और आपका क्या बैकग्राउंड है, आप लोग आर सीखेंगे, आप लोग किस डिपार्टमेंट के हैं, तो आपके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर ज्यादा बेहतर है, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, दोनों में सिमिलरिटीज क्या क्या, ये तमाम बातें डिस्कस की गई है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि डिफरेंस बिटवीन आर एंड आर स्टूडियो, बीच में की जाएगी, हाउ टू इंस्टॉल आर एंड आर स्टूडियो, ठीक है। फिर ये सिखाया गया है कि आर और आर स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करना है, क्लियर हो गया। तो फिर क्या, अगर आपने आर इंस्टॉल करना है, आर स्टूडियो इंस्टॉल करना है, अब आपके माइंड में आएगा आर प्रोग्रामिंग आर पे करेंगे या आर स्टूडियो पे करेंगे, तो पहले ये दोनों इंस्टॉल करना सिखाया गया है। उसके बाद फिर ये सिखाया गया है कि आर और आर स्टूडियो में डिफरेंस क्या है, कब हमें आर पे जाना है, फिर कब हमें आर स्टूडियो पे जाना है। फिर आर स्टूडियो का इंटरफेस सिखाया गया है, उसकी 4 विंडोज होती है, पहली विंडो का क्या काम है, दूसरी विंडो का क्या काम है, तीसरी विंडो का क्या काम है, चौथी विंडो का क्या काम है, उन सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद सिखाया गया था ये जो ऊपर पैकेजेस है ना, लाइब्रेरीज, न्यू लाइब्रेरीज को कैसे इंस्टॉल करना होता है, उनको लोड कैसे करना होता है, उसको अटैच कैसे करना होता है, डिटैच कैसे करना होता है, ये तमाम बातें इसमें सिखाई गई हैं। तो एंड में ये सिखाया गया है कि अगर आपने आर को यूज किया है या उसकी किसी लाइब्रेरी को यूज किया है, तो उसको साइट कैसे करना है, क्लियर हो गया। ये पूरी वर्कशॉप मैंने कंडक्ट की बहरिया के अंदर, ठीक है, तकरीबन 2 घंटे की वर्कशॉप थी। फिर उस वर्कशॉप को मैंने रिकॉर्ड कर दिया, ताकि जो वर्कशॉप अटेंड नहीं कर सका उसने वो पूरी वर्कशॉप अटेंड करनी है, क्लियर है। तो इसमें फिर यही मॉडल होता है, जो भी वर्कशॉप करता हूँ ये फिर 2 मिनट की मैं स्मॉल वीडियो बना देता हूँ, जिसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वर्कशॉप में हुआ क्या है, ताकि सामने वाला डिसाइड कर सके ये वर्कशॉप अटेंड करनी भी है या नहीं अटेंड करनी।